हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम टीचर ऑफ क्लास थर्ड। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू ईवीएस चैप्टर टू पार्ट फाइव। चलिए, मैं आपको पढ़ा रही थी फैमिलीज के बारे में। हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है। चैप्टर का नाम क्या है? आवर फैमिली। इसमें हमारा आज का टॉपिक है शेयरिंग एंड केयरिंग। शेयरिंग मीन्स बांटना, केयरिंग मीन्स देखभाल करना। शेयरिंग थिंग्स एंड वर्किंग विद द फैमिली मेम्बर्स मेक द मेम्बर्स ऑफ अ फैमिली हैप्पी। शेयरिंग मीन्स बांटना। क्या बांटना? चीज़ें। थिंग्स मीन्स चीज़ें। चीज़ें बांटना एंड वर्किंग विद द फैमिली। एंड वर्किंग मीन्स काम करना। किसके साथ? फैमिली के साथ, यानी परिवार के साथ चीज़ें बांटना या उनके साथ काम करना, फैमिली मेम्बर्स के साथ यानी परिवार के सदस्यों के साथ। मेक द मेम्बर्स, वो क्या कर देता है? मेम्बर्स को बना देता है, सदस्यों को बना देता है ऑफ अ हैप्पी फैमिली। कैसी फैमिली बना देता है उसको? उस परिवार को कैसा बना देता है? हैप्पी यानी खुश परिवार बना देता है। सी हाउ द मेम्बर्स ऑफ प्रियाज फैमिली हेल्प वन अनादर। सी मीन्स देखते हैं, हाउ मीन्स कैसे, मेम्बर्स मीन्स सदस्य। देखते हैं कैसे सदस्य, किसके सदस्य? प्रियाज फैमिली, प्रिया के परिवार के सदस्य कैसे हेल्प करते हैं। हेल्प मीन्स मदद करते हैं। किसकी? वन अनादर, एक दूसरे की। बोथ हर पेरेंट्स हेल्प ईच अदर देयर ईच अदर इन देयर वर्क। यस, बोथ मीन्स दोनों। हर पेरेंट्स मीन्स उसके माता पिता, दोनों उसके माता पिता दोनों मिलकर क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, एक हेल्प करते हैं यानी मदद करते हैं। किसकी? ईच अदर, मतलब एक दूसरे की। इन देयर वर्क, उनके कामों में, उनके कामों में। दे हेल्प प्रिया इन हर स्टडी। वो और क्या करते हैं? उनकी उसकी हेल्प करते हैं। किसकी? प्रिया की। प्रिया की हेल्प करते हैं किस काम में? उसकी स्टडी। स्टडी मीन्स उसकी पढ़ाई में उसकी मदद करते हैं। दे टेक गुड केयर ऑफ हर एंड हर ग्रैंड पेरेंट्स। वो क्या करते हैं? वो गुड मतलब देखभाल। टेक मीन्स लेना होता है, लेकिन क्या क्या अच्छी लेते हैं? देखभाल। केयर मीन्स देखभाल। गुड मीन्स अच्छी। वो अच्छी देखभाल करते हैं किसकी? हर यानी कि प्रिया की। ऑफ हर, हर मीन्स प्रिया, प्रिया की अच्छी देखभाल करते हैं। एंड हर ग्रैंड पेरेंट्स, और उसके दादा दादी की भी अच्छी देखभाल करते हैं। आप देखेंगे आगे। अब क्या है? प्रियाज फादर ऑल्सो हेल्प अस हर मदर इन हाउस होल्ड वर्क लाइक कुकिंग एंड कीपिंग द हाउस टेडी। प्रियाज के जो फादर है यानी कि प्रिया के जो पिता हैं, वो क्या करते हैं? ऑल्सो मीन्स भी, वो हेल्प इसमें भी मदद करते हैं। हेल्प मीन्स मदद करते हैं। किसमें भी? हर मदर, उसकी माँ की, माँ की भी मदद करते हैं। किसमें? इन हाउस होल्ड वर्क। हाउस होल्ड वर्क मीन्स घर के कामों में। लाइक मीन्स जैसे, कुकिंग यानी कि खाना पकाना, एंड कीपिंग द हाउस टेडी यानी कि, और कीपिंग मीन्स रखना। क्या रखने में? हाउस, हाउस मीन्स घर रखने में। कैसा? टेडी, टेडी मीन्स स्वच्छ रखने में, साफ रखने में भी उनको मदद करते हैं। ही टेक्स केयर ऑफ प्रिया ड्यूरिंग इलनेस। हाँ, और वो क्या करते हैं? उसके फादर टेक केयर करते हैं यानी देखभाल करते हैं किसकी? प्रिया की। कब? ड्यूरिंग इलनेस, बीमारी के दौरान। ड्यूरिंग मीन्स दौरान। इस तरीके से प्रियाज ग्रैंडफादर इज द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। हाँ, प्रिया के जो ग्रैंडफादर है यानी कि दादा दादी जो है, वो क्या है? एल्डेस्ट मेंबर हैं। एल्डेस्ट मतलब सबसे बड़े मेंबर्स हैं, सदस्य हैं ऑफ द फैमिली, परिवार के। ही इज़ द हेड ऑफ़ द फैमिली। वो कौन है? हेड ऑफ द फैमिली है, परिवार के हेड है। हेड मीन्स सबसे ऊंचे पद पर है वो, है ना। ही टेल्स प्रिया स्टोरीज़। वो क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? प्रिया को स्टोरीज सुनाते हैं। स्टोरीज मीन्स कहानियाँ। ऑफ ग्रेट पीपल एंड ग्रेट इवेंट्स ऑफ द पास्ट। किसकी? महान लोगों की, जो बड़े बड़े लोग हुआ करते थे पहले, और ग्रेट इवेंट्स की जो पहले हो चुके हैं, जो भी निकल चुके हैं ऑफ द पास्ट, पास्ट में जो पहले बीत चुके हैं ना, वो बड़ी बड़ी कहानियाँ उनको सुनाते हैं। ही ऑल्सो मेक्स हर लर्न मोरल वैल्यूज़। हाँ, वो और क्या सिखाते हैं उसको? मेक्स हर लर्न, उसको सिखाते भी क्या सिखाते हैं? मोरल वैल्यूज़। मोरल वैल्यूज़ मीन्स और वो क्या सिखाते हैं? मोरल वैल्यूज मीन्स नैतिक गुण भी सिखाते हैं। नैतिक गुण मीन्स अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी बातें भी उनको सिखाते हैं। इस तरीके से आज मैंने यहाँ तक अपना स्टोरी मतलब रीडिंग कंप्लीट की है। आप इसे लर्न करो। यहाँ कुछ कन्फ्यूज़न है, रीड करना नहीं आ रहा है, तो मैम से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।